सर आपसे पूछना चाहते हैं कि कल हनुमान जयंती थी तो जहांगीरपुरी में भी कुछ जगह पर वायलेंस हुआ और काफी ग्रुप्स क्लैश हुए और 15 लोग अरेस्ट गिरफ्तार किए गए, ये दिल्ली पुलिस ने बताया। तो इस मामले में कुछ हताश और निराश आत्माएं जो कि सेकुलर चोला और कमनल झोला लेकर के घूमती हैं और किस तरह से समाज के सौहार्द के ताने बाने को, एकता के ताने बाने को, यूनिटी और हारमोनी की शक्ति को नुकसान पहुंचे इसकी कोशिश करते हैं। आज देश जो है वो परिपक्व है, बहुत मेच्योर देश है और कुछ लोग जो है वो जो आजकल चिट्ठी उठी लिख रहे हैं उनको बिना मांगी हमारी सलाह है कि जरा अपना, अपने सरकारों का, अपने पार्टी का इतिहास देख लें तो उन्हें भूगोल समझ में आ जाएगा। वो जो है वो इस बात को महसूस कर लें कि जब उनकी सरकार थी तो भागलपुर के नरसंहार को देख लें, भिवंडी के नरसंहार को देख लें, मेरठ मलियाना का देख लें, 5000 से ज्यादा मैं बता सकता हूं जो 1984 में सिख भाइयों बहनों का नरसंहार का देख लें, तो उनको अब शीशे में, हकीकत के शीशे में अपना चेहरा बहुत बदनुमा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या हुई है, 2014 के बाद से ये हताश निराश आत्माएं किसी दिन चैन से नहीं बैठी। कभी जो है वो अवार्ड वापसी चल जाएगी, कभी असहिष्णुता चल जाएगी, कभी सो का लिंचिंग चल जाएगी। तो वास्तविकता तो ये है कि ये लोग, ये जो है वो पिटे पॉलिटिकल प्लेयर और फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी के लोग देश के सौहार्द, देश के संविधान और देश की सहिष्णुता की सियासी लिंचिंग में लगे हुए हैं जो सफल नहीं हुए। जी सर, राज ठाकरे प्रेसिडेंट के जो बयानबाजी हो रही है अजान के खिलाफ या भोंगे उतारने की बात है सर, पॉल्यूशन पे, नॉइज पे, हर जगह नियम है, उस नियम को सबको मानना होगा। थैंक यू सर। जैसे कि सुना आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हमारी चैनल से आज तक एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये बयानबाजी से कुछ नहीं होता और नॉइज पोल्यूशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम होता है वो सभी को मानना चाहिए।